एक ओ क्रोकोडाइल एक हेलोइन हुई हो जी हेलो हेलो क्रोकोडाइल बस 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 क्रोकोडाइल हेलो गाइस, आज हम आए हैं कुग्गी जंक्शन जो के बलाचौर सिटी में लोकेटेड है। आपने बलाचौर सिटी का नाम सुना होगा, उसके अंदर बहुत ही फेमस प्लेस है जिसका नाम है कुग्गी जंक्शन। यहाँ पे काफी सारे फूड कोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये प्लेस कैसी है, यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, इनका फूड कैसा है, रेस्टोरेंट का एम्बियंस, इंटीरियर सब कुछ कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हो हरप्रीत फूड लाइफ, मैं हूँ हरप्रीत। तो आज आपको दिखाते हैं कुग्गी जंक्शन। चलो पाजी हुण वीडियो ते हो गई, हुण मैनूं बहुत भुख लगी, दसो मैं तुसीं मैनूं कित्थे लैके जा रहे हैं। पहला नहीं पाजी, भुख लगी आ, मैं आइसक्रीम नहीं खानी, मैनूं तुसीं बलाचौर वाला मैकडॉनल्ड्स, ये काफी फेमस है सुना गया है। मैं ये काफी टाइम से बना हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसमें फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो अंदर जाके देखते हैं कि कैसा इंटीरियर है, बाहर से तो कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। दीदी पहले जा अंदर जान तो पहले इधर सेल्फी तो ले लिया, एक फोटो तो बन गई है बिफोर एंटरिंग इन द मैकडॉनल्ड्स। जाओ चलो ऐसा ओठो तो सी उतरो लो ये कोई स्पाइसी नहीं हो गए, कोई स्पाइसी बर्गर बर्गर मैं आलू टिक्की ਸਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਬਰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਸਪਾਈਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਬਰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸकी ਸੌਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂ। मैकडॉनल्ड्स तो हमने विजिट कर लिया, वहाँ पे हमने ट्राई किया आलू टिक्की बर्गर, बर्गर ठीक था, उसका तो क्या ही फीडबैक देना है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का फीडबैक, बर्गर का टेस्ट सबको पता ही है। तो इसके बाद अभी हमें भूख लगी है तो हम विजिट करेंगे पंजाबी चूल्हा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उसका फूड काफ़ी फेमस है हमारे एरिया में। तो अभी विजिट करके देखते हैं कि वहाँ पे एम्बियंस कैसा है, लाइक उसका इंटीरियर सेटिंग वगैरह कैसी है और फूड का टेस्ट कैसा है, और शेयर करेंगे फीडबैक आपके साथ। पहुंचे हैं पंजाबी चूल्हा। तो पंजाबी चूल्हा के बाहर ये इनके स्टॉल्स हैं, अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हो तो यहाँ पे टी कॉफी, चाट के मतलब इंडियन जो स्नैक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, वेज और नॉन वेज दोनों की। और इसके साथ साथ यहाँ पे चाइनीज काउंटर है,
चाइनीज स्ट्रीट फूड अगर आप खाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे खट्टा मीठा नाम का चाट काउंटर भी है। यहाँ पे आपको गोलगप्पा, दही वाला, पापड़ी चाट वगैरह ये सब स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पंजाबी किला जो कि सुग्गी जंक्शन में लोकेटेड है। तो अभी हम बैठे हैं पंजाबी किला में। हमने पंजाबी किला में अपना मेन कोर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। हमने एक ऑर्डर किया मशरूम मसाला, मशरूम मसाले के साथ ऑर्डर किया है। एक ग्रीन सैलड, ग्रीन सैलड के साथ हमने प्लेन रोटी ऑर्डर किया है। तो अभी हम प्लेस करेंगे पंजाबी किला का फूड, उसके बाद आपको पूरा बताएंगे कि इसका खाना कैसा था। तो बने रहिए आप हमारे साथ। लंच तो कर लिया है पंजाबी चूल्हा में, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हम बेसिकली फीडबैक देते हैं एम्बियंस का, फूड का। अगर हम एम्बियंस की बात करें तो इंटीरियर में कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टिल चलो हमने सोचा कि हाईवे पे है तो शायद फूड अच्छा होगा, इंटीरियर उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमने जो मशरूम मसाला ट्राई किया और उसके साथ प्लेन रोटी ऑर्डर करी थी, प्लेन रोटी हमने इसलिए ऑर्डर करी थी कि कोई और फ्लेवर मिक्स ना हो, जैसे नान वगैरह हमने नहीं किया तो मशरूम का टेस्ट भी बिल्कुल उसमें जस्ट टमाटर का ही टेस्ट आ रहा था और किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं था। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आप बिल देख सकते हो, हमने बस 3 तंदूरी रोटी और 1 मशरूम मसाला ऑर्डर किया था तो हमारा बिल बना है 408 रुपये। तो 400 अमाउंट मतलब ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ना तो एम्बियंस था ना इंटीरियर था। और दूसरा जो सबसे मुझे ख़राब चीज़ लगी, जब हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे तो वहाँ से स्मेल भी बहुत ख़राब आ रही थी, तो हम ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाए, नहीं तो मैंने फीडबैक वहीं पे बैठ के देना था। उसके बाद अभी हम CCD आए हैं तो मैं CCD में बैठ के फीडबैक शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम CCD में बैठे हैं, आपको दिखाते हैं कि जो बलाचौर वाला CCD है जो कि कुकी जंक्शन में है, उसका एम्बियंस कैसा है, कैसा इंटीरियर है। तो इंटीरियर वाइज ये ठीक है, बाकी आप खुद लुकआउट करते ना। तो अभी CCD में तो हमें पीनी तो कॉफ़ी है, क्योंकि हमने बर्गर भी खा लिया और खाना भी खा लिया। तो अभी देखते हैं कौन सी कॉफ़ी पी पी होगा आप, मैं तो कैपेचिनो ही ले लूँगी। कोल्ड कॉफ़ी मेरा कैपेचिनो, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं ट्राई कर रहा। कॉफ़ी नहीं पीनी? नहीं नहीं, नहीं। ट्राई करोगे चोको चिप कुकी कॉफी के साथ, करोगे ट्राई आप? हमने विजिट किया कुब्बी जंक्शन को, यहाँ पे हमने मैकडॉनल्ड्स, पंजाबी चूल्हा, CCD, 3 फूड कोर्ट को हमने कवर किया। हम सब्बे को विजिट नहीं कर पाए और यहाँ पे है एक टेम्पल गिफ्ट गैलरी, उस जगह को भी हम कवर नहीं कर पाए आज।
तो तीन जगह में से मैकडॉनल्ड्स और सीसीडी, इनके तो फूड का सबको पता ही है, उसका तो हम क्या ही फीडबैक देंगे। वो रेगुलर रेसिपी से, जैसे उनकी स्टैंडर्ड रेसिपी है, उसी के हिसाब से फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो मुझे पसंद है, तो हमने इन दोनों फूड कोर्ट्स को विजिट किया। बट जो पंजाबी चूल्हा का मैंने वीडियो में पहले भी फीडबैक बता ही दिया कि ना तो वहाँ पे इंटीरियर अच्छा था और ना ही फूड, तो ओवरऑल मैं कभी भी वापस उस रेस्टोरेंट को, जो पंजाबी चूल्हा वाला है, उसको विजिट नहीं करूँगी। बाकी आप यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स सीसीडी को विजिट कर सकते हो, तो भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। बस एक पंजाबी चूल्हा का फीडबैक मेरी तरफ से ठीक नहीं है। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा दिप्ती जंक्शन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने सजेशन कमेंट्स में देते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।